आज हम भिगोए हुए चुरमुरे बना रहे हैं, मुरमुरे पफ्ड राइस जो होता है। और ये देखो, ये इसका मसाला है, तो इसमें अभी मिक्स करेंगे। Hey guys, welcome back to my channel. This is Jasmine again with a brand new video. आज मैं इसलिए इतनी खुश लग रही हूँ एंड मैं आफ्टरनून ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं अब व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने, क्योंकि हमारे घर में एक बहुत प्यारा सा, बहुत क्यूट सा, बहुत मुटकू सा एक गेस्ट आया है एंड अभी वो गेस्ट आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं अभी, तो उठने के बाद मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मतलब बहुत दिनों बाद आए हैं, बहुत अरमानों के बाद आए हैं ये एंड मेरी बहुत आस थी कि रमज़ान के टाइम भी लेके आऊँ, बट रमज़ान के टाइम वो आ नहीं पाए, वो भी बिजी थे थोड़े बहुत, तो इसलिए आज वो हमारे घर पधारे हैं। तो वेट कीजिए तब तक, एंड तब तक आप मेरा लंच का प्रिपरेशन देख लीजिए एंड उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आज यहाँ पे भरे हुए बैंगन बना रही हूँ, वन ऑफ अगेन कर्नाटक स्पेशल, तो उसमें जाएगा नारियल, हल्दी, जीरा, धनिया और ये मसाला जो मिर्ची हम घर पे बनाते हैं एंड मूंगफली के दाने। तो इसका पेस्ट बना के इसमें फिलिंग करके फिर इसको ऑयल में प्याज और टमाटर के साथ मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए, ये थोड़े से ऑयल में फ्राई हो रहे हैं पहले एंड उसके बाद इसमें टमाटर और प्याज जाएगी। सो अभी मैं हूँ हमारे बैकयार्ड में एंड मुझे मेरे थोड़े कपड़े मैंने भिगो के रखे थे रात को एंड अभी उसको मुझे निचोड़ के धो के सूखने भाना है, क्योंकि कुछ कपड़े जो होते हैं वो वॉशिंग मशीन में नहीं डालती हूँ मैं, चाहे यहाँ हो या सिंगापुर में हो, कुछ कुछ कपड़े नहीं डालती, सिर्फ घर वाले कपड़े डालती हूँ। मगर जो कपड़े अच्छे होते हैं ना, जैसे ईद वाला ड्रेस वगैरह, वो सब कुछ मैं हाथ से थोड़ा बहुत धो के ना फिर उसको डाल दूंगी बाहर। तो अभी वही करने जा रही हूँ, बहुत काम है एंड मेहमान भी आए हुए हैं, तो मेहमान का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हमने इसका नाम अभी के लिए मुटकू रखा है एंड इसका नाम टाइसन भी है, क्योंकि टाइसन का बेटा है। ये देखिए, हाय हाय। ये बहुत छोटा है, ये बस 40 डेज का है, मगर वीडियो में बड़ा दिख रहा होगा, मगर ये बहुत अच्छा है, फ्लफी है, हेल्दी है, माशाल्लाह, टच वुड। तो आज ये हमारे साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करने आया है। ये देखिए, वो सो रहा है, वो जब से आया है ना सो रहा है। टॉमी आया है एंड टॉमी के साथ ये देखिए हमारे छोटे मेहमान, जो कि देख रहे हैं कि ये कौन है नया वाला, एक और है ना शना। मुटकू कम है, कम मुटकू, बोल दो बोल। और टॉमी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी जगह कोई और है यहाँ पे घर में। मेरी हालत देखिए, एक पापी को पूरे दिन संभालना एक बच्चे को संभालने से कम काम नहीं है। ये देखिए, अभी सोया है, बीन खाना खा के फिर सो गया है। जितना हो सकता है उतना टाइम उसके साथ स्पेंड करूंगी मैं आज एंड फिर शाम को फिर वापस दे देंगे, मेरे फ्रेंड का है, शाम को दे देंगे। सो अभी हम आकर टेरेस पे बैठे हैं और हमारे साथ है हमारा मेहमान मुटकू। टाइसन कम हियर, आओ बच्चू इधर, कम कम बिट्टू, कम इधर आ। हम ना टेरेस पे आके बैठे हैं तो हम मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा बहुत फोटो शूट किया हमने एंड ये भी शाम को चला जाएगा। क्यूटू हमारा मेहमान बस एक दिन कुछ घंटों का मेहमान आया था हमारे घर पे, क्योंकि मम्मी को नहीं पसंद है पेट्स, तो इसलिए ना मजबूरन भेजना पड़ेगा उसको घर। वो तो सही है उसके नखरे। वो ना इतना क्यूट है, ही इज 40 डेज ओल्ड, 40 डेज का है ये बस। ये देखिए, जर्मन शेपर्ड है ब्रीड। देखिए, लोट पोट के खेल रहे हम, है ना मुटकू। उसके अभी अभी दांत आ रहे हैं ना, सो इज वेरी नॉटी। ये देखो,
किन किन को ना पपीज पसंद है बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, मुझे पेट्स बहुत पसंद है। आपने देखा ना सिंगापुर में मेरे हैमस्टर्स थे, बट वो अब नहीं रहे, क्या कर सकते हैं, है ना। खेलना देखो उसका, ओ देखो 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 देखो, इसको टेरेस शायद बहुत पसंद आ गया क्योंकि हवा है यहाँ पे, उजाला है। देखो 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 देखो, नहीं खाएगा वो, दे दे उसको, ये अगर नहीं, नहीं नहीं खाएगा वो। तो उसकी बॉल लाने का था, ले क्या? हाँ ले क्या, तब तक के लिए। बहुत क्यूट है यार ये, बहुत क्यूट है। अगर किसी को ये चाहिए ना मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको दिलवाऊंगी फ्री नहीं है पैसे से। ऑलमोस्ट शाम ढलने वाली है अभी, तो देखिए हम दोनों मस्त टाइम पास कर रहे, विवान भी है और हमारे मेहमान मिटकू हैं, है ना बिट्टू, ही इज एंजॉयिंग टू द कोर, है ना, है ना बिट्टू। कहाँ आए हम कहाँ आए हैं। तो अभी इसको थोड़ा सा ऐसे छोड़ते हैं खेलने के लिए, वो बड़े मज़े कर रहा है पप्पी, इसको ना जब खुले में छोड़ तो ज़्यादा मज़े करते हैं। देखिए खेल रहा है, उसको देखो, उसे एक पार्सल आया हुआ है मुझे नायका। नायका से जब भी कुछ आता है ना हम लड़कियां बहुत खुश हो जाती है। ये सुबह से आया हुआ है बट मैंने इसको खोला नहीं है, जस्ट बिकॉज ये क्वारंटाइन में था, ठीक है। पापा है ना हमको कोई भी चीज छूने नहीं देते हैं जब तक कि, अरे जब तक ये चीज़ों का ना मतलब उतना टाइम पूरा नहीं हो जाता है, तो तब तक पापा हमको ये छूने नहीं देते। तो ऐसे होके ना ये डिब्बा वहीं पड़ा हुआ था और मुझे देख देख के बहुत टेम्प्ट हो रहा था कि मैं कब खोलूँगी इसको। ये मैंने ये बॉडी मिस्ट मंगवाया है क्योंकि मेरा बॉडी मिस्ट ख़त्म होने जा रहा है अभी। ये है, ये लेयर का वाटर गर्ल बॉडी मिस्ट है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया स्मेल करता है। ये एक मंगाया है मैंने, ये मंगवाया है जॉनसन बेबी मॉइस्चराइजर मिल्क एंड राइस, क्योंकि मैं भी जो मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ ना, वाह, जो छोटे बच्चों की खुशबू याद आ गई जब फिज़ा वगैरह पैदा हुई थी ना, तो उसको हमें लगाते थे ना। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, मेकअप के नीचे जब भी मैं फाउंडेशन लगाने से पहले मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ ना, तो मैं जॉनसन बेबी यूज़ करूँगी, इससे स्किन भी अच्छी रहेगी क्योंकि बच्चे जो लगाते हैं वो हमेशा अच्छा होता है। एंड ये निविया का टैल्कम पाउडर मंगवाया है क्योंकि नहाने के बाद मैं पाउडर लगाती हूँ क्योंकि अच्छी खुशबू आती है, तो मैंने ये टैल्कम पाउडर मंगवाया है। ये वो कलर्स नहीं है जो मैंने ऑर्डर किए थे यार। ये देखिए नेल पॉलिश है, मैंने वाइट कलर ऑर्डर किया था और ये वो कलर नहीं है, मैंने ब्राउन ऑर्डर किया था। इनके नेल पॉलिशेस यूज़ कर रही हूँ अभी इंडिया में क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं। एंड ये सिल्वर कलर तो मेरे पास है यार, मैंने सिल्वर मंगवाया ही नहीं। चलो ये तो मतलब डिसअपॉइंटिंग था, ये मैंने पहली बार ये प्रोडक्ट मंगवाया है। ये पैकिंग कितना प्यारा है। ये रहा मामा अर्थ का मॉइस्चराइजर, ये भी मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज, मिल्क प्रोटीन एंड मुरमुरू बटर, व्हाट्स मुरमुरू बटर मुझे आइडिया नहीं है। तो मामा अर्थ का मैंने पहली बार मंगवाया है, ये बहुत हाइप किया है सारे यूट्यूबर्स ने, आई थिंक उनके दूसरे प्रोडक्ट्स उन्होंने हाइप किया है, बट मैं ये मामा अर्थ का सिर्फ मॉइस्चराइजर मंगवाई हूँ। ये देखिए, क्योंकि मुझे ये भी अपने फेस पे ट्राई करना है कैसा है। तो अभी शाम के 8:30 हैं एंड मुटको जो कि टाइसन वो चला गया है वापस, और बहुत बोर हो रहा है यार मुझे ना।
क्योंकि पपीज से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है. पता नहीं मेरे फैमिली में मैं बिल्कुल अलग हूँ, किसी को भी नहीं पसंद है मेरे फैमिली में पेट. आई मीन दिखने में अच्छे लगते हैं उनको, बट वो छूना, उनका काम करना, वो सब उनको बिल्कुल नहीं पसंद है. बट मैं कुछ अलग हूँ, मुझे पपीज से बहुत प्यार है, पेट से इनफैक्ट बहुत प्यार है. और वो गया ना तो मुझे इतना अजीब लग रहा है, मालूम है. मैं नहा के आई उसके बाद, फिर हाँ फ्रेश हो गई मैं, क्योंकि पूरा मतलब उस साथ पूरे दिन भर खेली थी ना, तो मैं और विवान नहा लिए एंड फ्रेश होके अभी जस्ट चाय पी हमने. और बहुत मिस कर रही हूँ उसको मैं अभी. अभी उसके साथ बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचाए हैं मैंने, तो इसके बाद हो सके तो मैं वो क्लिप्स डाल दूँगी. बहुत क्यूट लग रहा था एंड अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आए हैं हमारे, बहुत अच्छे पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ आए हैं. सो अभी खाने में तो सब कुछ है तो नहीं दिखाऊंगी एंड आई थिंक इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि मेरा भी मन नहीं कर रहा है व्लॉग करने को. गया ना तो थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे, वो था तो बहुत अच्छा लग रहा था. तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड, जो पेट लवर्स हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. और हाँ जी हाँ, यही था. एंड जो पार्सल आया था वो भी मैंने अनबॉक्स करके दिखा दिया है, वो कल का क्लिप था एक्चुअली, तो कल रात को ही मैंने अनबॉक्स कर दिया था, तो आज मैंने उसको भी इंक्लूड कर दिया इसमें. सो मिलती हूँ मैं आपको अगले व्लॉग में. टिल देन अगर ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को बड़ा सा थम्स अप दीजिए एंड ऑल्सो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब येट. सो सी यू अगेन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.